तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इन्फ्रा न्यूज़। दोस्तों पहले अपडेट इंडियन रेलवेज़ की तरफ से आ रही है, जहां पर इंडियन रेलवेज़ ने कोविड-19 पैंडेमिक के बावजूद वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर वलसाड रोड ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन सिर्फ 20 दिनों में ही कर दिया है। वलसाड रोड ओवर ब्रिज का डिसमेंटलिंग का कंस्ट्रक्शन पहले DFC रेल ट्रैक के लिए रूट बनाने के बाद किया गया है। अब ब्रिज के नीचे से पब्लिक आ जा सकेंगे। रेलवे मिनिस्ट्री के अनुसार WDFC के ट्रैक लेन के समय में ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा था, जिसके वजह से ये स्टेप उठाना पड़ा। दोस्तों अगले अपडेट मुंबई से आ रही है, जहां पर घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड फ्लाईओवर को बहुत जल्द पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जहां पर 97% वर्क को कंप्लीट कर लिया गया है एंड नॉर्मल वर्क सच एज एस्फाल्टिंग एंड पेंटिंग वर्क कुछ स्ट्रेचेस पर रह गया है। इस 2.1 किलोमीटर लॉन्ग फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन 2016 में ही स्टार्ट किया गया था एंड January 2019 में इसको पब्लिक के लिए ओपन कर देना था, लेकिन कंप्लीट नहीं होने के कारण आगे शेड्यूल कर दिया गया। 2019 तक इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 576 करोड़ रुपीज़ आने वाली थी, बट डीले के बाद 713 करोड़ रुपीज़ हो गई एंड BMC के द्वारा 40 लाख फाइन कॉन्ट्रैक्टर पे लगाया गया। दोस्तों अगले अपडेट इंडियन रेलवेज़ की तरफ से आ रही, जहां पर इंडियन रेलवेज़ मुंबई पुणे डेकन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को विस्टाडोम कोच से रिप्लेस करेंगे। विस्टाडोम कोच में वाइड विंडो पैनल्स, रोटेटेबल सीट्स, ग्लास रूफ टॉप एंड पुशबैक चेयर्स का फैसिलिटी होता है। करेंटली मुंबई पुणे मडगांव जन शताब्दी स्पेशल ट्रेन विस्टाडोम कोच के साथ चल रही है एंड नौ मुंबई पुणे के रूट पे भी पैसेंजर नेचर के साथ रहने का एहसास ले सकेंगे। मथेरन हिल, उल्हास रिवर, सोंगिर हिल, उल्हास वैली एरिया ऑफ लोनावला खंडाला को पार करते वक्त। दोस्तों अगले अपडेट पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड PMPL के तरफ से आ रही, जहां पर PMPL टोटल 450 मीडियम ई बसेस को परचेज करेगी इसी साल में एंड अराउंड 300 ई बसेस को पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए फीडर सिस्टम के तौर पर यूज़ किया जाएगा। PMPL के अनुसार इस एडिशनल ई बसेस प्रोक्योरमेंट से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई बसेस एंड एडेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तेजी आएगी। दोस्तों अगले अपडेट कर्नाटका से आ रही, जहां पर कर्नाटका कैबिनेट ने न्यू ग्रीनफील्ड डोमेस्टिक एयरपोर्ट को हसन में बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 193.65 करोड़ रुपीज़ आने वाली है। इसमें रनवे, पैसेंजर टर्मिनल, टेक्निकल बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, एविएशन इक्विपमेंट का कंस्ट्रक्शन भी शामिल होगा। कर्नाटका गवर्नमेंट ने टोटल 536 एकड़ के लैंड को एक्वायर कर लिया है एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो दोस्तों यही था आज का डेली इन्फ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुँचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है या मैं अपने वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इन्फ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।